नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो, अभी रेलवे ने NTPC CBT2 का रिजल्ट जारी किया था और आप सबको पता है कि चेन्नई और बेंगलुरु बोर्ड दो बोर्ड का रिजल्ट आ गया था। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, कट ऑफ में गड़बड़ी है और ये रिजल्ट को वापस ले लिया गया। इसकी भी उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी किए। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिस है ये पहले आप देख लीजिए कि ये नोटिस सही है कि गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN नंबर 01/2019। हालांकि ये जो नोटिस है ना, ये चेन्नई बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में जारी की है ना, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। अब देखो इन्होंने क्या लिखा, विदड्रॉल ऑफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBAT। मतलब सीधा सा बात यह है कि इन्होंने जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसकी जो नोटिस रिजल्ट जारी किया था उसको विदड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया है ना। इसके लिए इन्होंने प्रॉपर जो है डेट भी डाली है, आज 7 जून 7/6/2022। उसके साथ साथ जो है इन्होंने लिखा हुआ है, द शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBAT ऑफ लेवल 6 डेटेड 6/6/2022, यानी 6/6/2022 को वेबसाइट में पब्लिश कर दिया गया था, यानी 6 जून को। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि 7 जून 2022 को स्टैंड विड्रॉन ड्यू टू इनएडवर्टेंट एरर। मतलब कुछ एरर हुई है जिसकी वजह से जो है 7 जून को इन्होंने रिजल्ट को वापस ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस थी है ना। तो जो लोग जो है ना अभी कह सकते हो जिनका हुआ है नहीं हुआ है वो सब फिर से एक समान हो गया है। मतलब ये नोटिस हालांकि चेन्नई बोर्ड ने जारी किया है तो ये एरर ही है एक प्रकार की। तो जो रिजल्ट अभी जारी हुआ था वो रिजल्ट वापस ले लिया गया है। तो आप परेशान मत होइए, जब भी रिजल्ट आएगा हम दोबारा समय समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे।